हेलो दोस्तों, मल्टीपल एक के नॉलेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस पल की बड़ी खबर लेके आए हैं दोस्तों, उन छात्र छात्राओं छात्राओं के लिए दोस्तों, जो छात्र डिप्लोमा किए हैं दोस्तों या बीटेक किए हैं दोस्तों, उन छात्राओं के लिए एक अप्रेंटिस पद में जाने का एक सुनहरा अवसर है दोस्तों। इस पल को मत छोड़िएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो एक एक हम पॉइंट पर डिस्कस करते हैं दोस्तों, क्या करी है। यूपी और उत्तराखंड में 103 अप्रेंटिस पदों के लिए वैकेंसी के लिए करें अप्लाई, यानी कि 103 अप्रेंटिस पद की वैकेंसी निकाली यूपी और उत्तराखंड ने दोस्तों। इस पर बात थोड़ा सा जान जाते हैं। पावर ग्रिड नॉर्थन रीजन रिक्रूटमेंट 2020 पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCIL भारत सरकार ऊर्जा मंत्रालय के तहत एक महारत्न PSU ने उत्तरी क्षेत्र 3 उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी ट्रेंडों में अप्रेंटिस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किए हैं। योग्य उम्मीदवार पावर ग्रिड भर्ती 2020 के लिए अंतिम तिथि तक या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। यानी जो भारत सरकार ऊर्जा मंत्रालय सरकार द्वारा निकाला गया है दोस्तों अप्रेंटिस पर दोस्तों, यानी कि आप अंतिम तिथि या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा विस्तृत रूप से जानते हैं। PGCIL पावर उत्तरी क्षेत्र महत्वपूर्ण तिथियाँ। पावर ग्रिड के आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 10 जुलाई 2020, यानी कि 10 जुलाई 2020 इसका अंतिम डेट है दोस्तों, और 23 जुलाई से फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा दोस्तों। अब थोड़ा सा हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें दोस्तों, क्या करिए दोस्तों। ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ग्रेजुएट डिग्री, ग्रेजुएट सिविल इंजीनियर में ग्रेजुएट डिग्री, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल। देखिए दोस्तों, जो छात्र जो बीटेक किए हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से, जो पास आउट हैं, वो छात्र इसमें फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं दोस्तों। और वो छात्र जो डिप्लोमा किए हैं इलेक्ट्रिकल से, वो भी छात्र इन्वॉल्व हो सकते हैं दोस्तों। और फिर जो छात्र सिविल इंजीनियर से पास आउट हैं, बीटेक किए हैं, वो भी छात्र इसमें अवेलेबल हैं दोस्तों, इनमें इन्वॉल्व हैं दोस्तों, यह फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं दोस्तों। अब हम बात करें दोस्तों कि कौन कौन ट्रेड में कौन कौन कितने पोस्ट हैं दोस्तों, हम थोड़ा सा देखते हैं दोस्तों। ग्रेजुएट सिविल 6 पद। देखिए दोस्तों, जो सिविल इंजीनियर छात्र हैं, जो पास आउट हैं, ग्रेजुएट हैं, वह उनके लिए मात्र 6 पद है दोस्तों, बहुत अच्छा पद है दोस्तों। और डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए 20 पद है दोस्तों, यानी कि जो छात्र डिप्लोमा से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो किए हैं दोस्तों, उन छात्राओं के लिए टोटल 20 पोस्ट है दोस्तों। वो जो अच्छा पोस्ट है दोस्तों, आपको मरने का एक अच्छा अवसर है दोस्तों, डिप्लोमा सिविल। देखिए दोस्तों, जो सिविल ब्रांच से जो डिप्लोमा किए हैं दोस्तों, उन छात्राओं के लिए यह है दोस्तों जो 6 पद है दोस्तों। एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्स 15 पद है दोस्तों। असिस्टेंट HR 6 पद है दोस्तों। ITI इलेक्ट्रिकल 30 पद, यानी कि जो ITI से जो इलेक्ट्रिकल किए हैं दोस्तों, उनके लिए भी 30 पद है दोस्तों। बहुत अच्छा प्रश्न सुनहरा पल है दोस्तों, आप इस जरूर फॉर्म को फिलअप करिए दोस्तों, अपने सरकारी नौकरी पक्की करिए दोस्तों। चलिए तो और हम जानते हैं विशेष रूप से दोस्तों क्या क्या करें दोस्तों। PGCIL पावर ग्रिड उत्तरी क्षेत्र अप्रेंटिस स्टाइपेंड, ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल और सिविल, एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्स 15,000 रुपये, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में डिप्लोमा, सिविल इंजीनियर में डिप्लोमा, एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्स MBA, HR, MSW, पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन 2 साल का फुल कोर्स, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स ग्रेड BA या BBA, ITI इलेक्ट्रिकल में ITI। जो आप समझ गए हों दोस्तों कि असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स किसे कहते हैं दोस्तों, जो छात्र BA या BBA किए होंगे दोस्तों, उसको ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं दोस्तों। जो आपका विस्तृत रूप से जो बता दिए हैं दोस्तों क्या क्या है, आप देख लीजिए दोस्तों बढ़िया से। इनका 15,000 रुपये स्केल है दोस्तों स्टार्टिंग, दोस्तों अच्छा स्केल है दोस्तों, एक गरीब छात्र के लिए, मेघावी छात्र के लिए दोस्तों। इस पल को जाने दीजिएगा दोस्तों, बहुत अच्छा। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगे दोस्तों तो सब्सक्राइब करें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, और लाइक करें दोस्तों। आज के लिए इतने ही दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।